लगता है किसी ने तुम्हारी नजरों पे कब्जा कर लिया है। कॉफी? मुझे ये तो नहीं पता ये किस राजा ने बनाया है, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये महल भी किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की याद में बनाया होगा। ताजमहल की तरह? पता नहीं, शायद ये भी किसी राजा ने अपनी रानी की याद में बनाया हो, उसके प्यार की याद में। प्यार की याद में? हाँ। ओ, आप बैठे ना प्लीज, आइए। कितना अजीब है ना, पहले के लोग अपने प्यार के लिए क्या क्या करते थे। मतलब? मतलब यही कि आजकल प्यार करने का मतलब कुछ और ही हो गया है। आजकल अगर लोग प्यार भी करते हैं तो उसमें भी सेल्फिश पना नजर आता है। क्या सेल्फिश पना? मे बी यू आर राइट, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है। यस, आई एग्री विद यू, बट मैं सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। ओके, लेकिन उसकी सजा तुम कॉफी को तो मत दो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि सबका प्यार अमर नहीं हो सकता? अब चाहे फिर वो उनकी कहानी कितनी ही अलग और स्पेशल क्यों ना हो, और चाहे उन्होंने कितने ही महल क्यों ना बनाए हो, अपने प्यार की याद में। मतलब? मतलब यही कि सारे महल ताजमहल की तरह लकी नहीं होते, जिन्हें दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। अब इस महल को ही देख लो, कितना शांत और चुपचाप है, न जाने कितने ही सालों से। लेकिन ये महल भी उतने ही प्यार से और शिद्दत से बनाया गया है, किसी राजा ने अपनी रानी की याद में। तुम्हें नहीं लगता? आई एम नॉट श्योर, पता नहीं। क्या तुम मुझे वो महल करीब से दिखा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। हाँ, तो कैसा लगा आपको ये महल? महल तो बहुत अच्छा है, लेकिन 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 यही कि किसी ने सही कहा है, दूर की चीजें सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है। कोई कैसे कर सकता है आखिर ऐसे? लेकिन क्या? यही कि आजकल का प्यार सिर्फ दीवारों पे रह गया है। लोग अपना नाम दीवारों पे लिख जाते हैं और फिर किसी को किसी के प्यार की कदर नहीं होती। मैंने कहा था ना आपसे, आजकल का प्यार ऐसे ही होता है। क्या नाम है उसका? निशांत। फिर क्या हुआ? ब्रेकअप, और क्या होना था, तभी तो बैठी हूँ तुम्हारे साथ, आई मीन आपके साथ। वैसे तुम मुझे तुम कह के भी बुला सकती हो, आई डोंट माइंड, बस दिल में इज्जत होनी चाहिए। By the way, you had sex with that guy? अरे नहीं नहीं, शादी से पहले थोड़ी ना होता है ये सब। Okay, sorry, वो मुझे पता नहीं था ना, शादी से पहले नहीं होता है। क्या? तुम्हें नहीं पता था? कितने भोले हो ना यार तुम। Sorry, I mean आप। मयंक नाम है मेरा। वैसे तुम मुझे
मयंक कह के भी बुला सकते हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए और वैसे भी बारिश होने वाली है। ओके, चलिए। चलते चलते काफी देर हो गई, थोड़ी देर बैठे। नहीं, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए। वैसे भी यहाँ अंधेरा जल्दी होता है, तो इट वॉन्ट बी राइट टू स्टे हियर मोर। अभी तो टाइम है, आई गेस। तुम्हें रुकना है तो तुम रुको, मैं जा रही हूँ। व्हाट? इतनी देर में? सीरियस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर यही कि मैं अभी कितनी स्टूपिड हूँ ना, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया और तुम भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। सोच रहे होंगे कैसी लड़की है, ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में रही हुई है फिर भी यहाँ लड़के देख रही है, मेरे साथ टाइम पास कर रही है। मुझे ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है। तुम आओ, इधर आओ, बैठो यहाँ पे, लो पानी पियो। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया, और थोड़े टाइम बाद उसे भी मुझसे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हैं किसी राजा रानी की तरह। फिर हम दोनों एक नहीं हो सके, ऐसा मेरे घर वालों का मानना है। लोगों का मानना है कि शादी हो तो समाज की लड़की से हो, इसलिए। तो क्या तुम्हें पूरे समाज से फर्क पड़ता है? पापा नहीं चाहते मैं उस लड़की से शादी करूं, इसलिए। तो भाग के कर लो। नहीं मेरा, वो मैं नहीं करना चाहता, इसमें ना मेरी मंजूरी है ना उसकी। हम दोनों चाहते हैं कि शादी हो तो घर वालों के आशीर्वाद से हो, ना कि उनकी नफरत के साथ। भाभी का फोन आ रहा है, आई थिंक हमें चलना चाहिए। ओके। I know you do believe in me, you also love me. You are living in my heart as much as my life has. देखो मेरा, मैंने सिर्फ अपना डिसीजन बताया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम और लेना चाहिए तो go ahead, I don't mind. By fulfilling all the dreams, by making all promises, by giving all precious time, by sharing all moments, you have given a new life.